फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि आपको पता है, क्वार्टर फोर्थ का रिजल्ट्स निकल रहा है, तो मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। ऐसे ही आज कंपनीज के बारे में हम रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि इनके रिजल्ट कल आउट हुए थे तो आप लोगों ने नहीं चेकआउट करे होंगे। करे होंगे, कुछ कंपनीज के मिले भी होंगे, कुछ कंपनीज के नहीं भी मिले होंगे। तो गाइस, हो सकता है उन कंपनीज के रिजल्ट मेरी इस वीडियो में मिल जाए जिन कंपनियों के रिजल्ट आप ढूंढ रहे हो। फिलहाल तो बता दूँ, आज 3 तारीख को कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आउट होने वाले थे। आरटीओ ड्रग्स के, अदानी ग्रेन्स के, आप देख सकते हैं एशियन के, एक्सटेल के, ब्रिटानिया के, ठीक है, 3 तारीख यहाँ 3 महीने लिखी हुई सबके, आइनोक्स ग्रेन के, आइनोक्स ग्रेन और JSW इंफ्रा, इन सब के गाइस आज के दिन रिजल्ट आउट होने वाले हैं। तो इसके रिजल्ट्स की वीडियो भी मैं इवनिंग तक आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी, नहीं तो कल तक तो आपको मिली जाएगी। इवनिंग तक भी तो आपको मेरे दूसरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कंपनी का है, एपटेक लिमिटेड। इसकी आप देखोगे फिगर लाख में है। इनकम की मोटा मोटा बात करें तो 18,000 लाख से 10,000 लाख रुपये, मतलब इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड अगर एनुअली ग्रोथ की बात करोगे, एनुअली ग्रोथ में भी 47 से 45%, मतलब किसमें भी गिरावट है। अब बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर की, जो कि 3,000 से बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम होगा, 275 पहुँच गए। एक मिनट का एपटेक के रिजल्ट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आए हैं, बिल्कुल भी, मतलब पैसे तो बहुत ही बेकार नंबर देखने को मिले हैं। 5.76 है, 0.48 इसका EPS चला गया है। तो गाइस, एपटेक के नंबर तो अच्छे नहीं है, और आज तो वैसे भी मार्केट आप लोगों को पता है कितना तगड़ा गिरा हुआ है, ठीक है। आज मार्केट क्यों फॉल हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने स्टॉक मार्केट बाय आर एनर चैनल पर डाली है, तो आप उसको वॉच करके चलिए। आपको मैंने कुछ टिप्स भी बताया कि ऐसे में मार्केट में हमें क्या स्टॉक लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजंता फार्मा लिमिटेड पे फिगर 6 करोड़ में कंसोलिडेटेड शेयर है। इनकम की बात करें तो 918 से 1000 में पहुँच गए, इट मीन्स ग्रोथ देखने को मिली है इसके अंदर, है ना। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 122 से 202 पे इसमें भी ग्रोथ है गाइस। एनुअली भी ग्रोथ आप चेक कर सकते हो, 500 से 816 पे, ठीक है। EPS की बात करते हैं, 9.54 पे पहुंच गया गाइस। इट मींस अजंता फार्मा लिमिटेड के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट केस है इंडोस बायोटेक लिमिटेड, फिगर इसके लैक में है। टोटल इनकम की बात करें तो 1812 से 1597 पे देखने को मिल रही है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें तो 277 से 52, मतलब गिरावट है, ठीक है। इनकम में भी गिरावट है, रिवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है। EPS भी 2.26 से बिलो 0.26, मतलब कि गाइस इंडोस बायोटेक के नंबर बिल्कुल भी खास नहीं आए हैं। ओमएस सॉफ्टवेयर की बात करूं तो लैक में फिगर है। इसकी इनकम 9,000 से 10,000 लाख रुपये पहुँच गई, बड़ी है। एनुअली भी 31 से 37 चली गई, बड़ी है, ठीक है, ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अगर इसका मोटा मोटा प्रॉफिट की बात की जाए तो 693 से 1658 पहुँच गया है। यहाँ भी नेगेटिव से एनुअली में पॉजिटिव पे आ गया है इसका प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी में लॉस में थे एनुअली, अब इस साल कंपनी प्रॉफिट में ट्रेड कर रही है, मतलब आप कह सकते हो चल रही है, कंटिन्यू वर्क कर रही है, ठीक है। एंड EPS की बात करें तो EPS भी इसका 3.24 से 7.95 पे चला गया। EPS पहले भी पहले नेगेटिव था, एनुअली में अब पॉजिटिव ग्रोथ पे आ गया। तो गाइस, ओमेक्स ऑटो के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं गाइस वोल्टाम वडोदरा की। देखिए, इसकी थोड़ी सी शीट अलग है, इनके रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके सेल्स रिवेन्यू की बात करें तो 17% ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड सेल्स भी 439 से 504, मतलब करोड़ रिवेन्यू जो है करोड़ में बड़ा ही है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिलता है, जो कि बढ़ा हुआ है 6% से। एंड नेट प्रॉफिट 18% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। एंड वहीं बात की जाए इसके एम्प्लॉयज़ की, आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारी गाइस इसके अंदर शीट देखने को मिलती है गाइस। अब इस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि इसके नंबर्स काफ़ी सही आए हैं, देखने को मिल रहे हैं, एंड ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है AGI ग्रीनपैक लिमिटेड। फिगर इसकी करोड़ में है। इनकम गाइस 698 से 632, मार्जिन में बढ़ी है। प्रॉफिट पे जाती हूँ सीधा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 95 से 64, मतलब कि प्रॉफिट में गिरावट है, ठीक है, मोटा मोटा तो यही देखने को मिला है। एंड EPS की बात की जाए तो 16 से EPS अब 9.98%, मतलब EPS में भी गिरावट देखने को मिली, मतलब आप कह सकते हो AGI ग्रीन पैक के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है।
हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो गाइस नेक्स्ट हमारी कंपनी है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट में देखिए फिगर्स की लैक में है। अगर इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू 1,22,000 से 1,33,000 मतलब बड़ा है। और प्रॉफिट की बात की जाए गाइस इसके, तो यहाँ पर आया नेट प्रॉफिट 6,944 से 7,778 पे चला गया मतलब बड़ा है। 29 से 32 पे EPS चला गया मतलब ब्लू डार्ट के नंबर गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी गाइस इन सारी ही PDF के लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको डीपली स्टडी करना है इसके बारे में। तो सो खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करके चलो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।